देता हूँ, या तो आप वाकयतन नेहरू ने मुल्क चले जाएं, और अगर यहाँ पे रहना है, कारोबार करना है, सर जोड़ के बैठे हैं, तंजीमें बनाए, चीख चीख के थक गया हूँ मैं, रिश्वत देनी पड़े, रिश्वत दे कलेक्शन कोको का लाइसेंस बनवाए, G3 का लाइसेंस बनवाए, कानून शिकनों को पकड़ना है। जब वो उनको गाड़ियों में ले लेकर घूमेंगे तो दहशत गर्दी बढ़ेगी या खत्म होगी। ये ताजरों को खुले आम धमकियां देना, शेरशाह में कातिल कातिल पकड़े जाए और सुबह ही सुबह रिहा हो जाए, आइडेंटिटी गार्ड की जमानत पे, व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन? इस मुल्क को चलाना है या इस मुल्क का दिफा करना है या दफा करना है, ये आप बताइए। मैं MQM के 1,00,000 कारकुनान आपको दूंगा हिफाजत के लिए, उनका खर्चा आपको बर्दाश्त करना होगा, उनको गुजारा ऐलान देना होगा, और फिर सत्ता माफिया का आदमी आएगा तो या वो मरेगा या फिर NGO का कारकुन मरेगा, ये बताओ। चीफ जस्टिस साहब यहाँ पे कराची में और वहाँ यहाँ बेंच बैठा था, उन्होंने जो यहाँ पर उन्होंने कहा कि यहाँ कराची के अंदर ऐसी भी पार्टियाँ मौजूद हैं जिनकी मिलिटेंट विंग्स हैं, जिनकी दहशत गर्दी की तंजीमें हैं, उन्होंने आपने नाम पढ़ लिए होंगे, किस किस के नाम लिए हैं, कोई सब जानते हैं वो नामों को, ऐसे लोग भी उसमें मौजूद थे जिसमें 100 बंदे को मारा हुआ है। अगर हम अपने आप को अपने आमाल को हमने दुरुस्त नहीं किया तो ये पाकिस्तान भी दुनिया के बाकी मानदा पाकिस्तान भी दुनिया के लक्ष्य से मिट जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ जैस्मिन मंजूर एंड वेलकम टू द शो। नाज़रीन, ये तो आपने सुना जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के लीडर हैं अल्ताफ़ हुसैन साहब, उन्होंने जो अपनी गुफ्तगू में फरमाया वो दो तीन इंकशाफात उन्होंने किए और दो तीन चीज़ों के हवाले से उन्होंने एक तरह से मेरे ख्याल से वार्न भी किया है और ये भी कहा है कि मेरे ख्याल अब सब्र का पैमाना जो है वो काफ़ी हद तक लबरेज होता जा रहा है, स्पेशली कराची के हवाले से। उन्होंने कहा मैं चीख चीख कर कह रहा हूँ लेकिन मेरी बात कोई नहीं सुनता। जब ये तकरीर हो रही थी और जिन चीज़ों का उन्होंने जिक्र किया था, ना सिर्फ इस अफ्तार में जो कल दी गई जिसमें अल्ताफ़ हुसैन साहब ने खिताब किया, ना सिर्फ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की आला सतह की क्यादत बैठी थी बल्कि उसके साथ साथ वहाँ पर पीपल्स पार्टी की भी आला सतह की क्यादत बैठी थी जो कि प्रोविंशियल असेंबली में यहाँ पे और हुकूमत में भी शामिल हैं। गवर्नर साहब भी तशरीफ़ फरमा थे और उनके साथ रहमान मलिक साहब भी यहाँ पर मौजूद थे जो कि आप जानते हैं हमेशा यही कहते हैं कि बहुत जल्द जो है वो ताजर बरादरी को रिलीफ मिलेगी और भत्ताखोरी का और उसके साथ साथ तमाम तर जराइम का खात्मा हो जाएगा। लेकिन शहर कराची लहूलहान है, ये अभी की कहानी नहीं, ये तीसरा चौथा रमज़ानुल मुबारक का महीना है कि लोग जो हैं अपने प्यारों की लाशें उठा रहे हैं, ताजरों के घरों पे बम मारे जा रहे हैं, अगवात बराए तावान हो, स्ट्रीट क्राइम हो, जो कुछ हो वो अरूज पर पहुँच चुका है। और जाहिर सी बात है ईद से पहले हर दूसरा या तीसरा बंदा जिससे मैंने बात की है या बल्कि हर एक वो बंदा जिससे भी मैं बात करती हूँ वो यही कहता है जी हमें गन पॉइंट पर लूट लिया गया, किसी से कैश ले लिया गया, किसी से मोबाइल ले लिया गया और ये कारोबार जो है वो चलता जा रहा है। लेकिन अल्ताफ़ हुसैन साहब का ये कहना कि किसी भी तरह से लाइसेंस लो और अपने आप को बचाओ, मैंने एक दफ़ा पहले भी ये कहा था तो लोगों ने मुझे सीरियसली नहीं लिया था, लेकिन इस दफ़ा मैं कह रहा हूँ अगर आपको G3 के लाइसेंस भी लेने पड़े तो लें और इस भत्ता माफिया का जो है एक ही दफ़ा सफाया कर दें। अब सवाल ये पैदा होता है कि उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट को के हवाले से भी दो तीन बातें उन्होंने की जिसका हम प्रोग्राम में जिक्र करेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के हवाले से जो उन्होंने बात की उस पर उनको भी ये इस बात का यकीनन इल्म तो होगा कि 6 अक्टूबर 2011 को चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी जिन्होंने सुओ मोटो नोटिस लिया था उन्होंने कुछ हिदायत दी थी, लेकिन उस हिदायत पर क्या अमल हुआ या नहीं, पॉलिटिकल पार्टीज़ का बार बार जिक्र किया जाता है कि उनकी पेट्रनेज नहीं है, लेकिन इससे मालूम हो जाता है जो चीफ जस्टिस के रिमार्क्स थे कि पॉलिटिकल पार्टीज़ की पेट्रनेज है। यही बात अल्ताफ़ हुसैन साहब ने भी की जब पीपल्स पार्टी वाले वहाँ बैठे तमाशा देख रहे थे और उनके पास कहने के लिए कोई नहीं था, उन्होंने कहा या मुल्क की दिफा करो या इस मुल्क को अब दफा करो। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं उसके बाद इससे आपका तारुफ कराती हूँ और पूछती हूँ कि मुल्क किस तरफ जा रहा है।
वेलकम बैक नाज़रीन। अतीक मीर साहब चेयरमैन है कराची ताजर इत्तेहाद के, और इनसे भी जाहिर सी बात है मेरी तो काफ़ी सारी इनसे इंटरेक्शंस हो चुकी हैं, प्रोग्राम्स भी किए हैं इनके साथ। बहरहाल रिलीफ नहीं मिल रहा अगर तो पूछेंगे क्या वजह है। वसीम अख्तर, वसीम अख्तर साहब मेंबर हैं नेशनल असेंबली के, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के एक अहम रुकन, फॉर्मर होम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। सैयद शमसान बुखारी साहब स्टेट मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक अहम रुकन, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब मेंबर हैं नेशनल असेंबली के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के एक सीनियर सांसदान है। आप सब लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों को वेलकम करती हूँ। मैं सबसे पहले अतीक साहब अगर आप थोड़ा सा बता दें ताकि मेरे मेहमान जो हैं फिर उस हवाले से उस डायरेक्शन में बात कर सकें, ये मसला है आपका। सबसे बड़ा मसला यह है कि मसाइल सब जानते हैं क्या है, ताजरों की और अवाम की जो भी मुश्किलात हैं उसे सब आगाह हैं, और वो मैं जुम्मेदारान की बात कर रहा हूँ, और वो इस बात पर भी एग्री हैं कि इनका मसला हल होना चाहिए, लेकिन उस मसले के हल के लिए कोई विल नहीं है, कोई इकदामात नहीं है, कोई संजीदगी नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। ये क्यों नहीं है, ये सवाल आप उनसे कर सकती हैं कि सब कुछ जानते हैं, या तो वो इस बात से एग्री ना करें कि ये मसला नहीं है, इस मसले से एग्री ना करें कि ऐसा कुछ नहीं है। दो तीन मोटी-मोटी चीज़ें मसले की आइडेंटिफाई करें। मोटी-मोटी चीज़ें ये हैं, कराची में कारोबार करना जान जोखिम में डालने के बराबर है। पर्ची आ जाती है, जान से मारने के लिए कॉल आ जाती है, गोलियां पर्ची में लपेट के भेज देते हैं। अब नौबत यहां तक पहुंच चुकी है कि वो देखते हैं कि उनको कोई रोकने वाला नहीं है, उन्होंने ऐसे लोग छोड़ दिए, ऐसे मुखबर छोड़ दिए हैं जो ताजरों के घरों के नंबर्स उन तक पहुंचाते हैं, घरों पे कॉल करते हैं, क्योंकि घर में खवातीन थ्रेट होने के बाद अपने मर्दों को कायल करती हैं कि कुछ ना कुछ दे दें, बच्चों की जान बच जाएगी। तो जब इस हद तक मामला हो गया कि तजारती तौर पर भी और माशरती तौर पर भी क्रिमिनल्स ने पूरे शहर को ये रुमाल बना लिया, डिस्टर्ब कर दिया, तो अब जरूरी है, अब बहुत जरूरी है कि अब कुछ किया जाए। क्या किया जाए, आप क्या चाहते हैं? ये जो अल्ताफ हुसैन साहब ने कल कहा है कि मैं अपने 1 लाख कारकुन देने के लिए तैयार हूँ, LMG के और दीगर लाइसेंस ले लें, और या MQM का कारकुन बचेगा या उनका मारें फिर उनको, यही होगा। मैं समझता हूँ कि जब हुकूमत की रिट ना रहे, हुकूमत की विल ना हो, कोई संजीदगी ना हो, इदारे मफलूज हो जाएं, तो फिर ये बिल्कुल बरवक्त आवाज़ है, और हम मुत्तहिदा के कायद की इस आवाज़ पे लबैक कहते हैं। और अगर ये ऐलान जंग है तो इस ऐलान जंग में कराची के ताजिर MQM के साथ। शमसान बुखारी साहब, ये आपने सुना होगा जो गुफ्तगू फरमाई है कराची ताजर इत्तेहाद के, और मेरी तो बड़ी इंटरेक्शन इनसे रहती हैं, लेकिन उन्होंने अब ये कह दिया कि अगर ये ऐलान जंग है तो फिर हम इस जंग में उनके साथ हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर एक तरफ से असले की भरमार है, और अल्ताफ हुसैन साहब ने कल ये भी कहा कि जी पेट्रोनेज भी की जा रही है और वो गाड़ियों में बिठा के उनको लेकर जाते हैं, वो दस्ती बमों से हमले कर रहे हैं, यहाँ तक कि उनके पास रॉकेट लॉन्चर भी हैं, तो ये अब इस मसले का हल कहाँ होगा? मैं क्या ये समझूँ कि खुदा ना खास्ता शहर कराची में अब खून की वो होली खेलने की तैयारी की जा रही है जिसकी बहुत बाजगश हो रही थी पहले? देखिए जैस्मीन, इसमें पहली बात तो ये है कि आइडेंटिफाई तो मसला बहुत देर से हुआ है, और मसला यकीनन है, और मसला जो है वो सुलझने की बजाय उलझ रहा है, इस यहाँ तक तो मैं इत्तेफाक करता हूँ। ठीक, अब ये जो ऐलान जंग वाली बात है या इस तरह की बात है तो इससे मैं इत्तेफाक नहीं करता। हमारी चूंकि इनसे कोलिशन है, हम कोलिशन में बैठे हैं, और मुझे बहुत एहतियात करनी पड़ेगी, हमारे ये वाले दोस्त जो हैं ये तो जज्बात में कुछ भी कह लेते हैं, मगर मुझे बहुत एहतियात करनी पड़ेगी। और इस मसले पे डायरेक्टली अगर रहमान मलिक साहब या चीफ मिनिस्टर सिंध कमेंट करें तो बहुत बेहतर होगा, मगर मैं आपको एक अर्ज कहता हूं कि यहाँ पे कोई एक जमात, कोई एक एथनिक ग्रुप, कोई एक लसानी या मजहबी ग्रुप, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, वो जिम्मेदार नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं, और अगर हमें बिल्कुल विद द आयरन हैंड इन सब से ना निपटा गया तो फिर कराची के हालात खराब ही होंगे, ठीक नहीं होंगे। मगर ये जो बात है कि असला उठा लो और हमला कर दो और ये रहेगा या वो रहेगा, मैं समझता हूँ पाकिस्तान की बात करनी चाहिए, ना तो किसी एक जबान की बात करनी चाहिए, ना एक खित्ते की बात करनी चाहिए, ना एक शहर की बात करनी चाहिए। लेकिन जहां तक मसला है, इस सारे खेल
रिटेल में, और सारे प्रॉब्लम में अगर ज्यादती और जुल्म किसी से हो रहा है तो वो ताजरों से हो रहा है। वो कौन कर रहा है वो बहुत सारे लोगों को पता है, और इसमें इस तरह ब्लेम गेम से काम नहीं होगा। यू हैव टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम एंड देन यू हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ये नहीं कि इल्जाम आप करते रहें और सोल्यूशन की तरफ आप ना जाए। ठीक, वसीम अख्तर साहब ये बताइएगा कि वो ये कह रहे हैं कि आप कोलिशन पार्टनर भी हैं और आपसे एहतियात से बात भी वो करेंगे, लेकिन कोलिशन पार्टनर होने के साथ साथ जाहिर सी बात है मौकिफ अलग हो सकता है। अब ये जो अल्ताफ हुसैन साहब ने कल कहा है या मुल्क को की दिफा करो या मुल्क को दफा करो, ये मतलब क्या मतलब है उनका, मैं समझी नहीं इस बात से। और दूसरा जो उन्होंने कहा कि एल एम जी के लाइसेंस रिश्वत तो बड़ी आम है, चाहे रिश्वत दे के ज़बरदस्ती भी लेना पड़े ले लो और उसके बाद अपनी तहफ़ के लिए मुत्तहदा के लोगों को रख लो या वो रहेंगे या बत्ताखोर रहेंगे, तो इससे मैं क्या समझूं कि कौन है वो बत्ताखोर? मतलब कोई भी जो आएगा अटैक करने के लिए या जो माफिया की सूरत में लूटने के लिए आएगा, उसके वो जो कारकुन हिफाजत पर होंगे वो उसको मार देंगे। तो ये तो हम बिल्कुल एक जंगल के कानून की तरफ जा रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं हम? क्या आज कराची शहर में कानून नजर आ रहा है जो आप जंगल के कानून की बात कर रहे हो? जंगल से वर्स्ट हालात हैं, जंगल में भी कानून होते हैं, जानवर भी अब देखभाल के किसी पे हमला करता है, मगर जो कराची के हालात हैं वो आइडेंटिफाइड हैं। और मेरे दोस्त मेरे कलीग शमसांग साहब ने जो बात कही है, जज्बात पे मैं कुछ भी कह जाता हूँ तो जिनके लोग मरते हैं ना तो वो जज्बात में फिर इसी तरह कहते हैं, जो रोज जनाजे उठाते हैं इनको अल्लाह ना करे इनके यहाँ जनाजे उठे, इनको सुने मेरी बात होने दें, आपके मैंने आपके दरमियान नहीं मोखल हुआ, सुने मर वो पाकिस्तानी रहे हैं और मेरे शहर के लोग मर रहे हैं, वो मुसलमान लोग इंसान मर रहा है, इसलिए हम जज्बात में आके सब कुछ कहते हैं। ठीक, और जज्बात में जब आदमी सच बोलता है तो जज्बात काबू से बाहर हो जाता है, ये फैक्ट्स हैं, ये नेचर है। अगर आप मरे हुए कौम हो कोई खुदा ना खास्ता तो फिर जो मर्जी होता रहे आपके आगे तो आप तो खामोश बैठे रहोगे, सब अच्छा की बीन बजाते रहोगे, तो वो हम नहीं कर सकते। हम अल्लाह का शुक्र है इंसान हैं तो हम जज्बात भी रखते हैं, तो हम जब जनाजे उठाते हैं अपने लोगों के, अपने ताजरों के साथ जो जुल्म हो रहा है, जो इस मुल्क को पाल रहा है, वो ताजिर कराची का जो 70% रेवेन्यू इस मुल्क को देता है, वो आज मुश्किल में, पर्चियां आ रही हैं उसको धमकियां आ रही हैं बच्चों की, वो अगवा हो रहे हैं। तो आज भी अगर रेंजर्स पुलिस आपके पास है, आपकी माशाल्लाह हुकूमत है, वहां आपके कंट्रोल में है, जो वो है होम मिनिस्ट्री, आपका सीएम है, वहां सीएम के पास पावर्स हैं, रेंजर्स आपके कंट्रोल में, जब वो लोग इंपोर्टेंट हो जाएंगे तो एक लीडर यही कहेगा अपने लोगों को जान बचाने के लिए कि लीगल असला खरीदो, अपना डिफेंस करो, ये मुसलमान का फर्ज हक भी है, एक आपके मजहब में भी है सेल्फ डिफेंस। आपने जज्बात में मुझे लेके आए हो, आज मैं तो आराम से बात करना चाहता, मुझे अफसोस हुआ का बीइंग अ कोलिशन पार्टनर बीइंग अ गवर्नमेंट, आप पे जिम्मेदारी जाती है जो आप निभा नहीं रहे हो, यू हैव फेल्ड इन कराची। आपने जो शेरशाह के डाकू जो मर्डरर्स पकड़े गए थे आपने दूसरी रात छोड़ दिया उन्होंने।